डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में बस अब गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, आप हमें ये बताइए कि हम कितना टाइम दें ग्रामर को, कितना टाइम दें वोकैब को। सो स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होना चाहिए, पूछना ये चाहिए आपको कि ग्रामर में किस टॉपिक को कितना टाइम दिया जाए और वोकैब में किस टॉपिक को कितना टाइम दिया जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ग्रामर और वोकैब के बिल्कुल बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं पैटर्न देखूं 2017 और 2022 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उन दोनों एग्जाम्स को अगर एनालाइज किया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि वेटेज बराबर है ग्रामर की भी वोकैब की भी। लेकिन ग्रामर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, और वोकैब में वो कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा आए हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर की कि ग्रामर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नजर आएंगे और जिनको आपको बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिलर्स में आ रहे हैं, या जिस अपने अपने कहते हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, कॉमन एरर्स में, वो इनडायरेक्टली भी आ रहे हैं। तो जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले है उसके अंदर टेंसेस। तो आपको टेंसेस के एक तो बहुत बारीकी से स्टडी करनी है, टेंस ढंग से आने चाहिए आपको। टेंस के बाद, क्योंकि जो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जो टेंस बेस्ड ही हैं, उनमें कंडीशनल भी है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं जिन्हें कंडीशनल्स कहा जाता है, ये टेंस का पार्ट ही है, तो ये ढंग से करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नरेशन, यानी जिसको हमने स्पीच कहते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको कन्वर्जन के। नरेशन है, स्पीच है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, यानी आपको असर्टिव से नेगेटिव या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव या असर्टिव से इंटरोगेटिव, तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। लेकिन अगर मैं कहूं अब जो बाकी टॉपिक्स बच गए हैं, बाकी टॉपिक का मतलब जैसे नाउन प्रनाउन, तो नाउन प्रनाउन या एडवर्ब एडजेक्टिव, ये जो टॉपिक्स हैं जिनको अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं, तो ये इसका मैं अलग से आपको इसको मैं अलग से एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला अपना टॉपिक है, ये अगर मैं कहूँ तो शायद ये इन सारे टॉपिक्स से इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक्स अभी हमने बताए हैं ना, इन सारे टॉपिक्स से अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों है? देखिए, क्योंकि अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर आते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें, देखो ये जो पार्ट है हालांकि सफिक्स और प्रीफिक्स वाला, ये पार्ट आता है हालांकि वोकैब के अंदर, ये पार्ट वोकैबुलरी का पार्ट है, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टॉपिक जो ग्रामर का टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आप सफिक्स प्रीफिक्स वाला काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन है, ही इज अ डैश पर्सन, ही इज अ डैश पर्सन, और डैश के अंदर जो चीज दी हुई है हमें, एक सेकेंड, हमें दिया हुआ है इन डस्ट, इतना लिखा हुआ है। अब इंडस्ट्री लिखा हुआ है, मान लो इंडस्ट्री टी आर। अब उसके बाद वो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ब्लैंक यहां है, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई ए एल आना चाहिए या आई ओ यू एस आना चाहिए, ठीक है, या सिर्फ वाई लगना चाहिए, मतलब इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब
सोचने वाली बात ये है कि अगर हमें पता है कि अलग अलग वर्ड से अलग अलग मीनिंग, अगर इसको लगाने से बनेगा एडजेक्टिव ही, इसको लगाने से भी एडजेक्टिव ही बनेगा, इसको लगाने से नाउन बन जाएगा। अगर हम IL लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन रहा है, IUS लगाएंगे तो भी एडजेक्टिव बन रहा है, Y लगाने से इंडस्ट्री बन जाएगा, ये तो नाउन बन गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिक्स, यानी कब कोई चीज नाउन कहलाती है, कब कोई चीज एडवर्ब कहलाती है, कब कोई चीज एडजेक्टिव कहलाती है, या कैसे कोई चीज वर्ब से नाउन बन सकती है, या एडजेक्टिव से नाउन बन सकती है, या एडजेक्टिव से एडवर्ब बन सकती है, ये जो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पार्ट जो है ये ना मिक्स्ड है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और सफिक्स प्रीफिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये दोनों का पार्ट है, तो इसको अलग से इंपॉर्टेंस देनी है। अब बची, तो अगर देखो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक पे ढंग से ध्यान दोगे, उसको बारीकी से अगर आप करोगे, तो उसके अंदर जो बेसिक पार्ट है कंजंक्शन का, प्रेपोजिशन का, या आर्टिकल का, या वर्ब का, ये सारी चीज़ें तो फिर उसके अंदर आनी है, ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आनी है। अब देखो अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको कोई कही कि सर ABCD भी पढ़नी है क्या, तो ABCD वाली बात होती है वर्ब की थ्री फॉर्म्स, जो वर्ब की जो थ्री फॉर्म्स हैं V1, V2, V3। अब अगर हमें ये नहीं आती, अगर आपको एक बेसिक वर्ड की, कोई बेसिक वर्ब है, अगर उसकी थ्री फॉर्म्स नहीं आती, और अगर आप सोचते हो कि मैं LDC के एग्ज़ाम क्लियर कर दूं, तो फिर ये तो बिल्कुल सपने वाली बात है। तो ये चीज़ें तो मानी जाती हैं कि ठीक है, इतना कुछ तो आपको आता ही होगा, लेकिन हाँ, अब ब्रशअप किसको करना है। तो ब्रशअप के लिए जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं, ग्रामर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन पे आए हैं, टेंसेस, कंडीशनल्स, नरेशन, स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये वो टॉपिक हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इनके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, चाहे वो फिलर्स में हो, चाहे वो ट्रांसलेशन के रूप में हो, जैसे भी हो। अब बात करते हैं वोकैब की, कि वोकैब के अंदर देखो आता बहुत कुछ है। जब हम वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब में आता बहुत कुछ है। क्या क्या आता है? सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, OWS कहते हैं वन वर्ड्स को, तो वन वर्ड्स आते हैं, आपके इडियम्स आते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, चलो एक ही चीज है, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी एक तरीके से, क्योंकि प्योर रटने वाली चीज है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी एक तरीके से वोकैब का ही पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सफिक्स प्रीफिक्स, क्योंकि प्योरली रटना है इसके अंदर, समझना तो खैर है ही, तभी रटा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने एनालाइज किया है, कि अगर बच्चे के पास टाइम कम है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है, तो वो दो चीज़ें हैं, एक तो सफिक्स और एक OWS। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको शुरू जो है ना कहानी यहीं से करनी चाहिए, कि यानी देखो वोकैब करनी है, देखो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एंटोनिम्स पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मेरे कहने का मतलब ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चंस सिनोनिम्स के भी आते हैं, एंटोनिम्स के भी आते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, सबके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो, अगर आप पैटर्न एनालाइज करो, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनके ऊपर आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ोगे तो वो वर्ड्स नहीं पढ़ोगे, डेफिनेटली वो वर्ड्स तो आपको पढ़ना ही है ना, वो वर्ड्स तो आपको याद करना ही है। तो सिनोनिम एंटोनिम्स जब आप कवर करो, तो उसमें जब भी आप कोई वर्ड याद करते हो, तो डेफिनेटली वो वर्ड या तो कहीं पे तो खत्म होता है ना, वाई पे, OUS पे, तो उस चीज का भी ध्यान रखो कि जो वर्ड, फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड पढ़ा प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, तो अब आप एक वर्ड पढ़ रहे हो, प्रोड्यूस नाउन भी हो सकता है, प्रोड्यूस वर्ब भी हो सकती है। अगर प्रोड्यूस वर्ब है तो उसका मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, जैसे फिल्म प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस एक फसल भी हो सकती है जिसको अपने कहते हैं, जो आउटपुट है उसको नाउन की फॉर्म में प्रोड्यूस कहते हैं। अब प्रोड्यूस से प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस्ड है, प्रोडक्शन है,
प्रोडक्टिविटी है ये मतलब ये चीजें धीरे धीरे जो हालांकि प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट से बना है, तो जो वर्ड्स हैं जब आप उनको पढ़ोगे तो उनके सफिक्स प्रीफिक्स को ध्यान में रखना है, सिनोनिम पढ़ रहे हो एंटोनिम पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान रखना है, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो है। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, अब चाहे मैं आपको अब आप मेरे को बहुत एक ना बहुत जबरदस्त राय दे रहा हूं, और वो राय ये है कि पढ़ो उतना जितने की रिवीजन आप कर सको। अगर आपने पढ़ बहुत सारा लिया और रिवीजन करने का उसको टाइम नहीं है, माइंड माय वर्ड्स किसी काम का नहीं। हो पढ़ो उतना ही जितना उस वक्त रिकॉल कर पाओ, यानी आपको टाइम पे याद भी आ सके। तो आप सही तरीका क्या है, जो पढ़ रहे हो ना रोज उसकी रिवीजन कर लो, या एक दिन छोड़ के रिवीजन जरूर करो, ताकि जो पढ़ा हुआ है वो पक्का होता ही जाए, जो पढ़ा हुआ है वो पक्का होता ही जाए। और ठीक है अगर कुछ चीजें रह भी गई तो बात अलग है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उतना ही पढ़ें जितने की हम ढंग से रिवीजन कर सकें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है जी। अब बचा, अब इसके अंदर ऐसे तो कॉम्प्रिहेंशन भी बचा है और इसके अंदर लेटर्स वाला पार्ट भी बचा है, या जिसको अपने कहते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, तो वो देखो वो एक ऐसा पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं 2017 में देखे हैं, और तो वो पार्ट तो करना ही करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग अब इंग्लिश के अंदर जिनका हाथ तंग है, अगर बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट इंग्लिश आप करना चाहते हैं, तो आप मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो कैब इंग्लिश गुरु की एप्लीकेशन है, आप उस पे जाके वो परचेज भी कर सकते हैं। एक कोर्स जो हमारा 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी, इसी जनवरी 23 तारीख से, बिल्कुल उसी तरीके से या उसी पैटर्न पे मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ, और जितना हमारे पास टाइम बचा है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है उस बेस्ट पे मैं काम करने वाला हूँ। सिर्फ 999 के अंदर वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो, 999 के अंदर ऑनलाइन कोर्स है, आप परचेज कर सकते हो, वो कैब इंग्लिश गुरु ऐप पे ही वो चीज़ आपको मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख पाओगे बाद में। और जो लोग परचेज नहीं भी करना चाहते कोई इशू नहीं है, हम रोज जो है एक मॉडल टेस्ट पेपर टाइप का कुछ ना कुछ ऐसा मैं आपको रोज करवाने वाला हूँ LDC के लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि जो लोग इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं और इंग्लिश अगर रुकावट बन रही है, तो हर हाल के अंदर अब हम उस चीज को क्लियर करें और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, आप एनालाइज कर सको खुद को कि कितने हमारा किस कितने लेवल पे हम खड़े हैं, क्या हमारा स्कोर है। सो गाइज जो मैंने इंफॉर्मेशन आज दी है, आप इस लेवल पे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया है कि आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।